स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RKS ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं राम मनोज पांडे मुस्कुराते हुए आपका दिल से स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने सही पढ़ा, आज का टॉपिक है किसान के बारे में, सीरियस टॉपिक है किसान की समस्या के बारे में। दोस्तों 1950 के बाद आज 70 साल हो रहे हैं, देश में कई कानून किसानों को लेकर बने हैं, बिगड़े हैं, हरित क्रांति आई है, लेकिन किसान के जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और उन्नति और सुख नहीं मिला है। आज तो कंडीशन ये है, किसान की हालत बहुत खराब है। पिछले 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, जब से कोरोना जैसी महामारी चली है। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पहले हम ये जानेंगे किसान के जीवन में कितने किन चीजों का कंट्रीब्यूशन है। किसान खाद के रूप में पानी पर डिपेंड है, बीज पर डिपेंड है, इस तरह की चीजों के लिए आज टोटली वो मार्केट पर डिपेंड हो गया, यहाँ तक कि प्रोसेसिंग के लिए भी किसान डिपेंड हो गया है मार्केट पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, जीडीपी में केवल 20 से 25 के बीच में ही एवरेज रहता है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, जबकि ओवरऑल लैंड में लगभग 70% एग्रीकल्चर हो रही है। इसके बावजूद हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही लो है। अब इसका कारण ये है, आज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, एक टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है, मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल आज बात यहीं पर आगे ले चलते हैं। अब किसान बीजा रोपण करता है, अपनी फसल बोता है, बीज के लिए मार्केट पर डिपेंड है, खाद के लिए मार्केट पर डिपेंड है, पानी के लिए सरकारें से बिजली दे रहे हैं उस पर डिपेंड है, या तो वो डीजल चलित उस पर डिपेंड है, प्रोसेसिंग करने के लिए टोटल ओवरऑल मार्केट में उतर आया है, प्रोसेसिंग भी वहीं कर रहा है। तो किसान जब तक अपना मालिक खुद नहीं, टॉपिक पर बात करेंगे किसान खाद के रूप में जो अपने खेतों में डालता है वो कितना सही है कितना गलत है। दोस्तों उन्हें को हरित क्रांति आई, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। खेतों में रासायनिक खादों के प्रयोग से खेतों में साल्ट बढ़े हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के जो मित्र कीटाणु हैं उन्होंने छोड़ दिया खेत को, अर्थवर्म जो देसी केचुए होते हैं वो जमीन के नीचे बहुत बैठे, हमारे खेतों में साल्टी हो गई है, पानी बरसात का पानी खेत में ठहर नहीं रहा है, और जिससे वही पानी नदियों समुद्रों में पहुंच रहा है, और जो मृदा जल प्रदूषण का बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों जल संरक्षण करके ही बहुत गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम लाई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, आप देख ही रहे हैं 2014 से गवर्नमेंट हर बार वादा कर रही है गंगा की सफाई के लिए बहुत सारा फंडिंग होता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो है उसका रिजल्ट। गंगा यमुना सरस जैसी पवित्र नदियों की हालत आज बहुत खराब है। इन सबका जिम्मेदार कहीं ना कहीं रासायनिक खेत, रासायनिक खाद, दवाओं, खरपतवार नाशकों का उपयोग खेतों में बढ़ने भी एक मुख्य कारण है। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान का ऑब्जेक्टिव क्या है जैविक रूप में खाद डालने का, वो किस तरह से मार्केट पर नहीं डिपेंड हो सकता है। इन्हीं कड़ी में आज हम बात करेंगे, पहला फार्म यार्ड मैन्योर देसी खाद, जो 8 से 10 महीने के लिए गोबर को इकट्ठा करके रखा जाता है और गोबर सड़ जाता है और उसका किसान डायरेक्ट यूज कर लेता है। दोस्तों इसमें उसको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जरूर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस गोबर से निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और इसलिए उसे अंततः मार्केट पर ही डिपेंड होना पड़ता है, दीमक कीट भी उसमें लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन एक पारंपरिकगत तरीका है, लोग सोचते हैं इसी से सब कुछ होता है। दूसरा है हमारा कंपोस्ट, कंपोस्ट में है वनस्पति और जानवरों को वेस्टेज, इन सब को मिलाकर
उसका भी प्रोसेस 8 से 10 महीने के लिए रख दिया जाता है, तैयार होता है, खेतों में डाल दिया जाता है, लेकिन ये सही से इनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। ये ऐसे कूड़ों का ढेर की तरह ही जाते हैं, इसमें कोई भी तत्व नहीं है। पंजाब विश्वविद्यालय के कई ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने सर्च करके पूरा पब्लिश पेपर पब्लिश करके बताया कि इसमें ये केवल जहां 8 कट्टे डालते हो वहां अगर इनके जगह एक, मैं और बता रहा हूं, उसका एक ही कट्टा डालोगे तो उसका रिजल्ट उसके बराबर है, तो आप सोच सकते हैं क्या। दूसरी तीसरी खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट आज देश दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी की मदद से हम वर्मी वास भी बनाते हैं जो हाइड्रोपोनिक्स में यूज किया जा रहा है, जहां पर लिक्विड के रूप में पौधों को दिया सप्लाई किया जा रहा है। मूंगफली, उड़द, मूंग और सोयाबीन के कोमल 2-3 महीने के उगे हुए पौधों को कोमल अवस्था में ही उनको रोटावेटर करके आप जमीन में करके और सड़ाने की प्रक्रिया है, ये तैयार होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाणु खाद के बारे में। जीवाणु खाद वनस्पति और पशुओं के डेयरी और किचन के वेस्टेज इन सब को मिलाकर एक इसी तरह एक कंबाइंड है, ये भी इसी तरह बनाया जाता है। इन्हीं सब के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बायोगैस स्लरी के रूप में स्टोर करके हम पानी मशीनें चला सकते हैं और बहुत सारे यंत्र चला सकते हैं। अगला है घनजीवामृत, जो कि माननीय सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक, इन्होंने हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और गवर्नमेंट भी अब इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने प्रयास कर रही है। अभी हाल ही फिलहाल में इनको पद्मश्री से अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक खादों ने किस तरह से हमारे पर्यावरण को बर्बाद करने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। सॉइल की प्रॉपर्टी 3 होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया। कलर डिफाइन करते हैं कि आयरन की मात्रा कितनी है उसके हिसाब। केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिटी, एल्कालिनिटी और कोलाइड के रूप में। दोस्तों, एसिडिटी सॉइल में कितना एसिड है या बेस नेचर है या न्यूट्रल नेचर है, ये डिफाइन होता है उसके पीएच मान से, जो कि हर कोई पढ़ चुका है हाई स्कूल के चैप्टरों में। अब आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ह्यूमस के रूप में जो खेतों में होती है, जिससे खेत में रेस्पिरेशन रेट डिपेंड करता है, जो हमारे पौधे हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट, मॉइस्चर रेट, ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में जो किसान और भी बहुत सारे हैं जिनको अपने तरह से यूज कर सकता है, जिससे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, जब किसान अपने खुद ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जिससे मार्केट पर डिपेंड ना होने पाए, उसमें सबसे मेन था खाद के रूप में इतने हैं, उसे इसकी ओर एक झलक देखनी चाहिए, समझना चाहिए। आज देश दुनिया के बहुत सारे लोग आगे बढ़ करके तैयार कर रहे हैं, किसान को तय करना है उसे किस तरफ जाना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।